गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल गुड। आई एम योर ड्राइंग टीचर। तो आज हम आए हैं आपको एक न्यू ट्रिक पेंटिंग लेके। तो आज आपको बताएंगे न्यू पेंटिंग करने, वो भी एक इजी और मज़ेदार ट्रिक के साथ। आप सब वीडियो देख रहे होंगे तो समझ आ जाएगा और सीख भी लेंगे आप, बिकॉज बहुत इजी है। इसके लिए हमें इस पेंटिंग को सीखने के लिए, बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, और दो चीज़ें आपको बहुत इजी से मिल जाएंगी। एक तो हमें चाहिए ब्रश, और सेकंड हमें जो चाहिए वो है हमारा वाटर कलर। आई होप दोनों आपको इजी तरीके से मिल जाएगा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना मिल सके। कितने सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमेशा ड्राइंग की है और ड्राइंग में कुछ नया और अच्छा जो है सीखने के लिए हमेशा वो कंटिन्यू ड्राइंग क्लास अटेंड करते थे, और उन लोगों को जो है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैंने देखा भी था कि बच्चों ने बहुत सारे एफर्ट लगाए थे अपने, हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने एफर्ट लगाए थे उस चीज़ को सीखने में, करने में। तो इसीलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ। उसके लिए आपको ब्रश में कलर लगाना है और स्टार्ट करना है। ये हमारा बन गया एक सिंपल सा फ्लावर। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें।
देखो ये आपका फ्लावर बहुत इजी और बहुत कम टाइम में बनने वाली पेंटिंग है आपकी। आप इसको इजी तरीके से बना भी सकते हो जैसा ट्रिक मैंने आपको बताया। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ना आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ने वाली हो ना ही आपको बहुत ज़्यादा कलर की ज़रूरत पड़ने वाली है। बस आपको थोड़ा सा कलर चाहिए और ब्रश मिला तो ठीक है, एयरब्रश में आप अगर एयरब्रश है तो उससे काम चला लीजिए वरना आपको एक ब्रश की ज़रूरत रहेगी। तो ये आपकी फ्लावर है और इसको फिंगर पेंटिंग बोलते हैं। आपको इजी लगा होगा, आई होप समझ में आया होगा। जो आपको इसमें बाकी कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ में आता है तो उम्मीद करते हैं आप सब पूछेंगे। अच्छी बात है, पूछिए। नहीं समझ, जब चीज़ें नहीं समझ में आए तो उसको पूछ लेना चाहिए। इससे क्या रहता है कि हमसे जो है गलती नहीं होती और हमें उस चीज़ को सीखने में भी फ़ायदा मिलता है। तो आप अच्छी तरीके से सीखिए, कोशिश करिए। नहीं बनेगा तो हम बताएंगे आपको कि कैसे और बनाना है और कैसे आपको इजी लगेगा। तो इस चीज़ को ट्राई करिएगा और इस पेंटिंग को सीखिएगा, समझिएगा। एक सिंपल तो कुछ नहीं करना, फ्लावर इजी सा आपको ब्रश से कलर कोड देना है और फिंगर से उसको स्टार्ट कर देना है। सो एक छोटा सा प्रोसेस है, उसको अगर आप करते हैं अप्लाई उस प्रोसेस को तो बनेगा ही बनेगा। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको हम फिर से बता देंगे इस चीज़ को। और जहाँ तक ना समझने की बात है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, समझ में ही आएगा आपको। लेकिन जिनको भी कोई प्रॉब्लम होती है वो पूछ लेंगे। ओके okay?